welcome to Out Classic. The Bluetooth device is ready to pair. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए स्पीकर की जो कि है आउट क्लासिक मीन्स एक नई कंपनी है, लोकल कंपनी है यहाँ की। मैं आपको इसकी भी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो वो स्पीकर हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है एंड इसका साउंड ही बहुत अच्छा है। एंड जब आप म्यूज़िक के लिए जाते हो तो वो भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक बेस वगैरह सब दे देता है। सो हम आज चेक करने वाले हैं ये स्पीकर की क्या क्वालिटी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पीकर तो हमारा बाहर है तो हम पहले बॉक्स के अंदर चेक कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमको इसके साथ मिल जाता है देखने को। तो चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को। पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, अंदर आपको बॉक्स केबल देखने को मिल जाता है एंड एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। एक थोड़ा डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए आपको एक पेपर टाइप में देखने को मिल जाता है। स्पीकर के बारे में बात करें तो आपको जो स्पीकर है ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइट देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको ब्लू लाइट देखने को मिल जाती है। एंड ये ऑन कैसे हो तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट इसको इस तरफ रन करना एंड ऑन हो जाता है। ऊपर के साइड पे आपको एक पेन ड्राइव का एंड चिप स्लॉट, आगे पीछे करने का, चालू बंद करने का, ठीक है, एंड चार्जिंग के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है, माइक के लिए देखने को मिल जाता है एंड एक ऑक्स केबल देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। सो आप जैसा भी चाहो यूज़ कर सकते हैं एंड मोस्टली लोग ब्लूटूथ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ब्लूटूथ के लिए आप, मैं भी प्रीफर करूँगा, ब्लूटूथ बहुत ही अच्छा है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसके अंदर 16 वाट का आउटपुट पावर देखने को मिल जाता है एंड प्ले टाइम की बात करें तो आपको 6 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। मैक्स आपको 3 to 4 आवर्स चार्जिंग के लिए देना पड़ेगा इसके लिए। जब से मैं लाया हूँ तब से मैंने एक ही बार चार्ज किया इसको, बाकी यूज़ ही कर रहा हूँ, मेरे को लाए हुए एक हफ्ता हो गया। तो मैं इसका क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पीकर कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, इसका कोई डिटेल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सो अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो डिज़ाइन, ठीक है, ये रही ऐसा कुछ डिज़ाइन है। दो स्पीकर है इसके अंदर, एक ये साइड को एंड एक ये साइड को। एंड अगर आपको मोड स्विच करना है तो जैसे कि ब्लूटूथ मोड के अलावा भी आपको कुछ और यूज़ करना है, ठीक है, दूसरे मोड्स को, तो आपको जो पॉज एंड प्ले का बटन है उसको थोड़े टाइम तक प्रेस करके रखना है, ठीक है, तो मोड्स चेंज हो जाएंगे। एंड अगर आप ऑक्स के साथ कर रहे हो तो वो भी ऑक्स का भी बहुत ही ईजी है। तो हम साउंड लेवल चेक कर लेते हैं इसका, कितना ज़्यादा है कितना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मीन्स क्या साउंड लेवल है इसका, क्वालिटी कैसी होती है एकदम जब हम फुल वॉल्यूम पे रखते हैं तो। म्यूजिक क्वालिटी इसकी मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है एंड जो प्राइस रेंज है वो भी 1400 का ही है, तो मीन्स आप ये कंपनी के लिए जा सकते हो अगर कहीं पे मिल रहा हो तो। आई डोंट थिंक लोकल कंपनी है, बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में नहीं है क्योंकि मैंने अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह इसका नाम सर्च किया, चेक किया, बट मुझे नहीं मिली। एंड मैं यहाँ हैदराबाद के एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं वहाँ पे आउट साइबर साउंड बार वायरलेस करके इसका नाम है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगर आप हैदराबाद के आसपास रहते हो तो। एंड ये आपको 16 वाट का आउटपुट मीन्स 6 घंटे का प्ले टाइम भी दे देता है, तो ठीक है, इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा स्पीकर देखने को मिल जाता है। अगर आप थिएटर टाइप रूम में बना रहे हो मीन्स
यूज़ कर रहे हो तो भी एक रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा साउंड है ये। मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, सारे वर्ड्स अच्छे से प्ले होते हैं। एंड हाईएस्ट जो साउंड है इसका उसके जब आप रीच करते हो तो भी आपको फटी फटी आवाज़ नहीं आती इसमें। सो मेरे लिए तो अच्छा है। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।